ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार, मित्रों आभा, मित्रों हाजिर हूँ मैं आपसे फिर एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा करने से पहले निवेदन, मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जाते जाते कमेंट में कुछ भी लिखो, कुछ नहीं लिखना है तो माँ गणेश नंबर लिखो और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाओ। तो मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे अधिक से अधिक आपके मित्रों का फायदा हो। तो मित्रों अभी देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। थंबनेल में मैंने लिखा है कि साप्ताहिक राशिफल 19 जून से 25 जून, ये जो सप्ताह आ रहा है सोमवार से रविवार 19 जून से 25 जून 2023, उसके लिए मैं मेष राशि से मीन राशि तक हर राशि का राशिफल बता रहा हूँ। अब मैं सिंह राशि पे आ गया, तो सिंह राशि के लिए पांचवी राशि है और कोई ग्रह नहीं है, छठी कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है, साथ में हम केतु है तुला राशि में, आठवें में कुछ नहीं, नवे में दसवें में कुछ नहीं, ग्यारहवीं राशि में सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में और बकरी हो गए, आज शाम से बकरी हो जाएंगे, तो बकरी होकर के इसने पिछले भाव को भी थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। और इस आठवें भाव में बारहवीं राशि कोई ग्रह नहीं है, नवे भाव में मेष राशि में राहु बृहस्पति, दसवें भाव में वृषभ राशि में बुध बैठे हैं जो कि 24 तारीख को यहाँ सूर्य के पास आ जाएंगे, सूर्य जो 15 जून को वृषभ राशि में आ चुके हैं, और चौथी राशि में कर्क राशि में शुक्र और मंगल है। बस ये ग्रह गोचर हो गया, केवल एक परिवर्तन हो रहा है कि बुध जो है 24 तारीख को मिथुन राशि में आ रहा है सूर्य के पास, और चंद्रमा जो है 19 तारीख को देखिए कर्क राशि में होंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो साप्ताहिक राशि पर चंद्रमा पर निर्भर करता है, तो चंद्रमा 20 तारीख को लग्न में आ जाएंगे, 23 तारीख को चंद्रमा धनभाव में आएंगे और 25 तारीख को सप्ताह के अंत में आते आते तुला राशि में आ जाएंगे, यानी तीसरे। ये चंद्रमा का भ्रमण रहा यानी कर्क राशि से लेकर के तुला राशि तक। तो मित्रों सिंह राशि के लिए अब कैसा फल मिलेगा, क्या होगा, वही चर्चा मैं करता हूँ। देखिए सिंह राशि के लोगों को भी कैरियर में स्थिरता आएगी, अब कैरियर में अब बुध आ गए और बुध यहाँ आ जाएंगे फिर लाभ भाव में, शुक्र की राशि है कैरियर में, तो कैरियर में स्थिरता आ रही है, स्थिर दिशा मिल जाएगी और समय अच्छा है। देखिए यहाँ पर आप जो भी काम करें, जहां भी सरकारी करें प्राइवेट करें जो करें, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, जब बॉस प्रसन्न रहेंगे तब तो फिर सब कुछ मिला हुआ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, शुभ कार्य में धन का व्यय तो होगा, देखिए धन का खर्चा तो होगा, यहाँ पर चौथी राशि है चंद्रमा बैठे हुए स्टार्टिंग में सप्ताह में, तो सप्ताह के स्टार्ट में 19 तारीख को खर्चा हो रहा है और शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, मंगल बैठे हुए हैं विदेश भाव में, धन का तो थोड़ा सा खर्चा हो रहा है, लेकिन शुक्र मंगल भूमि भवन दाता 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दसवीं मंगल की यहाँ पड़ेगी पति पत्नी के भाव पर, तो बस वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्रोधित न हो आप तो अच्छा रहेगा, और शुक्र की दृष्टि तो यहाँ पड़ी रही है, देखिए शनि के भाव शनि की राशि में। देखिए कुछ नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो आपसे प्रभावित हो जाएंगे, वो आपकी काम की प्रशंसा भी करेंगे, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे, कुछ चेंज आएंगे लेकिन पॉजिटिव आएंगे, कार्य में जो है जल्दबाजी न करें, फिर आप आराम आराम से कार्य करें, व्यक्तिगत लाइफ में आए हुए चैलेंज को थोड़े से प्रयत्नों से ठीक कर सकते हैं, लाभकारी यात्राएं भी होंगी, भविष्य की सार्थक योजनाएं बना सकते हैं कि भविष्य में क्या करेंगे, सार्थक मीन्स पैसा के प्राप्ति हो और मीनिंगफुल हो। 19-20 को देखिए भाग दौड़ बनी रहेगी, 19 को चंद्रमा यहाँ है 20 को लग्न में आ गए और आपकी सूर्य की राशि में लग्न में चंद्रमा आ गए, थोड़ा सा मन को वैसे शांति तो मिलेगी, मन जो राहु से अगर परेशान होता है आपका
राहु यहाँ बैठे हैं भाग्य भाव में, तो चंद्रमा मन को शांत तो करेंगे लेकिन थोड़ा भागदौड़ रहेगी। और बस जो मैंने बताया कि काम समय पर समाप्त न हो अगर तो क्रोध न करें, क्रोध करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो अपना काम बिगाड़ लेंगे आप। तो सप्ताह के उत्तरार्ध में 23 जून को चंद्रमा धनभाव में आ जाएंगे। धनभाव में चंद्रमा आ गए जहाँ बुध की राशि कन्या है, और बुध जो है यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ अच्छे आ गए सूर्य बुध के साथ, तो बुध अच्छे हैं तो कन्या राशि भी अच्छा फल देगी, धन आएगा। चंद्रमा 23 तारीख को, देखिए 23 तारीख को तो कुछ धन की प्राप्ति कहीं से हो सकती है। धन भाव पर चंद्रमा आ जाएंगे, एक तो मन को शांति मिलेगी, और बुध की राशि है कन्या तो धन भाव धन में धन तो आ गया, तो धन आएगा मन को शांति मिलेगी। घर का देखिए स्तर भी सुधर जाएगा, थोड़ा सा धन आएगा तो अच्छा हो जाएगा। सप्ताह का आखिरी दिन जो है 25 जून को चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे पराक्रम भाव में, जहाँ तुला राशि में केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पर पराक्रम कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, जितना परिश्रम करेंगे शनि से उतना ही लाभ मिलेगा। और तीसरे भाव में जो है पराक्रम के भाव में, तो पराक्रम से तो शनि जितना पराक्रम करेंगे आप उतना ही प्रसन्न होंगे। शनि देखिए सप्तम 8, 9, 10 शनि की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है सुख भाव में, दसवीं दृष्टि सातवीं दृष्टि लग्न पर, लग्न बलवान जातक का शरीर अच्छा, थोड़ा सा जरा हड्डियों का थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, दर्द वर्द से ज्यादा ध्यान रखिएगा, बच कर रहिएगा। दृष्टि से जो है शनि की दृष्टि से थोड़ा सा हड्डियों में दर्द हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। और वैसे यहाँ आपके भाग्य भाव में तो बृहस्पति बैठे हुए भाग्य वर्धन कर रहे हैं, भाग्य वर्धन कर रहे हैं, यहाँ से इसको भी देख रहे हैं चंद्रमा को, बृहस्पति देख रहे हैं 25 तारीख को, भाग्य वर्धन होते धन तो आएगा, भाग्य बढ़ेगा धन आएगा। बुध बैठे कर्म भाग में, कर्म करेंगे धन आएगा, बुध यहाँ आगे लाभ भाव में, बुध कर्म करेंगे लाभ में धन आएगा। सूर्य जहाँ है तो सूर्य भी जो है धन देंगे भाई, सूर्य की तो राशि आपकी जो है लग्न में सूर्य की राशि है, और सूर्य लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव के सूर्य आपके लग्न के स्वामी, लग्नाधिपति लाभ भाव में बैठकर भाई क्या करेंगे यार, लाभ तो देंगे ही देंगे, लाभ क्या होता है पैसा होता है, तो सूर्य आपको धन जरूर देंगे। और आपको लाभ चाहिए बढ़िया चाहिए तो देखिए शुक्रवार का दिन सबसे बढ़िया है, शुक्रवार को आपको लाभ मिलेगा। शुक्र यहाँ बैठे हुए शुक्र अच्छे हैं, विदेश भाव से लाभ मिल रहा है, धन मिल रहा है, और आपको जो है दे और ज्यादा लाभ चाहिए, आपको और पैसा चाहिए बढ़िया चाहिए, तो सूर्य की उपासना तो करिए करिए आप। सूर्य की उपासना करेंगे सूर्य को जल जाएंगे, सूर्य आपको लग्नाधिपति है और सूर्य को स्थिति बहुत अच्छी है, कहाँ भाग्य लाभ भाव में, तो उसकी वजह से आपको ये करना चाहिए कि सूर्य को जो है ताम्र पात्र में जल देना चाहिए, लाल कुछ फूल वूल डाल के। तो मैं तो ये काफ़ी अच्छा रहा सिंह राशि के लिए भी, सब तरह से बढ़िया बढ़िया है। तो मैं अभी देखिए यहाँ विराम लूँगा और फिर आगे आऊँगा। अब देखिए शनि जो मैंने जैसे बताया, शनि का चर्चा की देगी, शनि आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, सप्तम पति पत्नी का भाव होता है, और शनि जो है इधर देख रहे हैं दसवें मकर राशि है, मकर राशि में यहाँ विदेश भाव से शुक्र मंगल देख रहे हैं, मकर राशि यानी आपको शत्रु तो भाग जाएंगे बिल्कुल शनि की वजह से, शत्रु हंता बीमारियां भी छोटी मोटी भी भाग जाएंगी, कोई भी आपको बैंक से कोई पैसा लेना है तो मिल जाएगा, ऋण चुकाना तो ऋण चुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि यहाँ बैठ करके सप्तम में बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी नोक झोंक तो हो सकती है दाम्पत्य जीवन में, तो उससे थोड़ा समझ कर रहिएगा, वाणी को केवल अच्छा रखिएगा, सब ठीक रहेगा। तो मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ, आगे आऊँगा तो अगली राशि की चर्चा करूँगा। मित्रों नमस्कार।